लिए दावेदार कौन होगा वो बोल नहीं सकते कि दोनों टीमें अच्छी है। चलिए न्यूजीलैंड ने अभी अच्छा परफॉर्म किया, इंग्लैंड को वहाँ पर ही उनको हरा दिया है उन्होंने, बट भारत का पटला थोड़ा अच्छा होगा बिकॉज कि अपने बल्लेबाज बहुत अच्छे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसे कि इंग्लैंड टूर में अभी बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप की थी, ओपनिंग पार्टनरशिप, और रोहित ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, विराट भी अच्छे कर रहे हैं। और सबसे प्लस पॉइंट हमारे पास दो अच्छे ऑलराउंडर हैं, यानी अश्विन और जडेजा, एक दो अच्छे ऑलराउंडर जो अच्छे स्पिनर्स भी है, एंड हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक भी बहुत अच्छा है। तो हमारा पड़ला थोड़ा भारी हो सकता है ऐसे मुझे लग रहा है, बट क्रिकेट में कहे नहीं जा सकते कि कौन सी टीम कब भारी पड़ जाए, केस नहीं कर सकते, बट भारत का पड़ला थोड़ा भारी हो सकता है इसमें मुझे लग रहा है। न्यूजीलैंड के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो हमें तंग कर सकते हैं, लेकिन उनके कप्तान जो है टीम साउदी है, देन ट्रेंट बोल्ट है, मैट हेनरी, जो तीन फास्ट बॉलर है बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग डाल रहे हैं। और उनके अभी कॉनवे ने मुझे डबल सेंचुरी की थी डेब्यू में, तो शायद वो भी परेशानी हो सकती है हमको, बट आफ्टर ऑल इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हो तो आपको भी अच्छा परफॉर्म तो करना ही है, जीत के लिए तो खेलना है। तो सभी टीमों में अच्छे प्लेयर रहते हैं, तो ये प्लेयर्स हमें परेशान कर सकते थे मुझे लग रहा है। हाँ, भारत की ओर से तो टॉप परफॉर्मर तो मैं बेसिकली एक ही को कोई बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये टीम गेम है, बट मैं चाहूँगा कि रोहित अपना अच्छा परफॉर्म कर दे और भारत को जिताने में बहुत ही बड़ा सहयोग दे। हालांकि हमारे गेंदबाज भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, बुमराह अच्छा कर रहा है, सभी बहुत तेज डाल रहे हैं, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। विराट कोहली के बारे में तो कहना है कुछ क्या कहूँ मैं, बट एक पर्टिकुलर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ। मैं चाहूँगा कि सभी अच्छे परफॉर्म करें और भारत को जिताने में बहुत बड़ा सहयोग करें। हाँ, रोहित ने तो अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से रोहित के बारे में बोला जाता है कि सिर्फ देश में उसने अच्छा परफॉर्म किया है, आउट ऑफ इंडिया उसने उतना परफॉर्म नहीं, बट मुझे पता है कि रोहित अच्छा परफॉर्म करके भारत को जिताने में बहुत बड़ा सहयोग होगा उसका, ऐसे लग रहा है। विकेट के बारे में तो मैं यहाँ से क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अभी दो टेस्ट मैच हुए थे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के, तो दोनों तरफ से फास्ट बॉलर ज़्यादा खिलाए थे, तो शायद मुझे लग रहा है कि विकेट थोड़ी तेज होगी क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट अच्छा रहता है, फास्ट बॉलरों को बॉल अच्छी स्विंग होती है, तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि विकेट थोड़ी तेज रखेंगे, ग्रास होगा विकेट पे। अभी वो यहाँ से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बट एक केस कर रहा हूँ कि विकेट फास्ट विकेट होगी यहाँ पर। जैसे कि मुझे लग रहा है कि भारत की तरफ से रोहित, विराट, बुमराह, ऐसे में पर्टिकुलर सब एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये टीम गेम है, सबका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, बट इनका परफॉर्मेंस बहुत मायने, क्योंकि रोहित ने अगर अच्छा स्टार्ट दिया तो पीछे के बैट्समैन जैसे कि चेतेश्वर है, विराट है, अजिंक्य राणे, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन होगा। एंड न्यूजीलैंड के रहने से केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, सऊदी, इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है ऐसे मुझे लग रहा है, बट क्रिकेट में मैंने पहले कहा कि क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जाता है किसका दिन कैसा हो, उस दिन हर एक प्लेयर जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है उस मुकाम पे पहुँचे, तो सभी अच्छे प्लेयर है, बट इसमें से ये जो 5-6 प्लेयर है उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा मुझे लग रहा है। प्लान तो पूरा सेट हो चुका है कि फ्रेंड के साथ बैठ कर ही फाइनल देखना है। आई एम सो एक्साइटेड, आई थिंक पूरा वर्ल्ड एक्साइटेड है ये फाइनल देखने के लिए, और हमें तो दिल से लग रहा है कि विराट कोहली ने सेंचुरी तो मारना ही चाहिए, और होप सो इंडिया ही जीते। 3 बजे के बाद है। सबसे अच्छी बात यह है इंग्लैंड में होने के कारण मैच 3 बजे के बाद है, तो 3 बजे के बाद मैच होने के कारण कैसे भी हाफ डे में अपना काम निपटाओ और टीवी के सामने आके बैठ के बाकी के पूरे मैच का लुत्फ उठाओ। बिल्कुल भी एक बॉल भी मिस करने जैसा मैच नहीं है। पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो रहा है और उसमें इंडिया है। 18 जून से 22 जून तक मेरा तो एक ही प्लान है, वर्क फ्रॉम होम और अपना टीवी मैच देखना है पूरा। ये ना एक हिस्टोरिक मोमेंट होने वाला है फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी आर सो वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ इट। आई एम वेरी एक्साइटेड। पॉपकॉर्न खाते खाते एंजॉय करो। आई एम गोइंग टू वॉच दिस फाइनल मैच विथ माय डैड। मी माझ्या फॅमिलीसोबत वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनल एन्जॉय करणार आहे। मी 5 दिवस कुठंच जाणार नाही आहे, मी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप फायनल एन्जॉय करणार आहे। भारत और ऐसे जो टीम खेल रही थी तो अपन इजी क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन बाद का जो फॉर्मेट हुआ उसमें भारत पूरा संघर्ष करके आया। आज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। इस मूवमेंट से वो आया है करो और मरो की स्थिति से, इसलिए आज पूरी ताकत से भारत ही अपने टॉप पे और वही जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। दावेदार कौन होगा ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है, बट हाँ ऑब्वियसली ये प्लेयर के परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड है और लेकिन इंडिया ही होनी चाहिए। टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो फाइनल हो रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, तो मुझे लगता है कि एज ए इंडियन इंडिया ही जीतेगी। दोनों ही टीम बहुत अच्छा मुकाबला करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए डिजर्विंग फाइनलिस्ट हैं। इंग्लैंड को हाल ही में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में हराया है और इंडिया नंबर 1 फिनिश हुई है, तो दोनों में से चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन दोनों ही डिजर्विंग है। इसमें जिसके परफॉर्मेंस के साथ साथ जिसका लक साथ देगा, कोई भी एक सेशन भी पूरा मैच पलट देता है, तो कोई भी एक लकी सेशन जिसका होगा सामने वाली टीम उस लकी सेशन के बदौलत जीत सकती है और हार भी सकती है। मेरा बेस्ट मोमेंट वो था जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गाबा का मैच हुआ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है, इसका बेस्ट मोमेंट तो यही था कि मतलब टेस्ट क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है पहली बार इतिहास में, तो यही बहुत बड़ा बेस्ट मोमेंट है कि ये मैच होने वाला है, उसकी फाइनल हो रही है। हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस जब है जब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में गावा का पता करके, जिसमें शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपनी धांसू पारी से भारत को जिताया था। जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 36 ऑल डाउन होने के बाद पहला मैच हारा था ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद एडिलेड में, उसके बाद सीरीज जीते, वो भी सारे मेन प्लेयर्स आउट हो गए थे इंजरी के कारण, और फिर जाके मैच जीते हैं और वो भी ऋषभ पंत ने इतनी धुआंधार पारी खेली थी गावा में, साथ ही साथ शुभमन गिल ने, और उसकी बदौलत उनको हमने उनके फोर्ट्रेस जहां 28 साल से वो हारे नहीं थे अब आप ब्रिस्बेन में हराया है। माय फाइव टॉप प्लेयर्स आर शामी, बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड गिल। मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी ये दो लोग टॉप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, शमी आणि पुजारा। केन विलियमसन, टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट, क्या बोलता है उनको, एक खतरा उनके तरफ से आ सकता है। हमारा बेस्ट परफॉर्मर हो सकते हैं ऋषभ पंत या शुभमन गिल, क्योंकि अपनी धुआंधार पारी की बदौलत वो कोई भी एक सेशन भी अगर अपनी तरफ कर लेते हैं तो पूरा मैच पलट जाता है। वैसे तो विलियम्स का ही नाम सबसे पहले आएगा इसमें, जो परेशान कर सकता थी। विलियम्स को अपन ने जल्दी आउट किया तो भारत को जीतने से कोई ही नहीं रोक सकता। न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनवे अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हाल ही में उनका। दोनों ही टीम बहुत अच्छा मुकाबला करके यहाँ तक पहुँची हैं, इसलिए डिजर्विंग फाइनलिस्ट हैं। इंग्लैंड को हाल ही में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में हराया है और इंडिया नंबर 1 फिनिश हुई है, तो दोनों में से चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन दोनों ही डिजर्विंग है। इसमें जिसके परफॉर्मेंस के साथ साथ जिसका लक साथ देगा, कोई भी एक सेशन भी पूरा मैच पलट देता है, तो कोई भी एक लकी सेशन जिसका होगा सामने वाली टीम उस लकी सेशन के बदौलत जीत सकती है और हार भी सकती है।